वालेकुम ये मेरा आगे से जिस तरह से पीछे मैंने एक्सप्लेन किया सर्टिफिकेट्स को ये मेरा तकरीबन फ़ाइव वाला सर्टिफिकेट है ठीक है फोर मैं ऑलरेडी तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये मेरा फाइव वाला फाइव वाला सर्टिफिकेट है इसका क्या नाम है मेरे पास पाइथन फंडामेंटल फंडामेंटल इसको मैं इसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगी ठीक है पाइथन फंडामेंटल इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास सर्टनली लेट्स कवर द फंडामेंटल कंसेप्टन प्रोग्रामिंग इसमें क्या है डाटा टाइप्स वेरिएबल और डाटा टाइप्स में डिफरेंट जो है वो वेरिएबल्स टू स्टोर डाटा वैल्यूज पाइथन स्पोर्ट्स वेरियस डाटा टाइप्स ठीक है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इंटीजर्स इंटीजर्स को हम लोग इंट लिखते हैं आई एंड टी ठीक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या एफ एल ओ टी फोर फ्लोट लिखते हैं सेटरिंग्स में क्या यूज़ करते हैं एस टी आर यूज़ करते हैं बुलियंस बुलियंस में बी डबल ओ एल हम लोग यूज़ करते हैं इसी तरह से लेयर्स लेस आता है ट्यूपल्स आते हैं सेट्स डिक्शनरी ये इन चारों का तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ठीक है थीके? अब इसी को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से ये जो है वो यूज़ होते हैं आगे ओके okay, एग्जाम्पल में क्या होता है हमारे पास वेरिएबल और डाटा टाइप्स लेंगे हम लोग एक्सल हमारे पास फाइव वाई जूकल हमारे पास थ्री पॉइंट फोर टेन आप कुछ भी लगा सकते हैं ठीक है नेम और पास आता है एलिक इसी स्टूडेंट इस में हम लोग इस टू लिखेंगे इसके बाद माई लिस्ट ये पे है इसके, माई में है, माई में, इसके बाद माई ट्यूब यह है माई सेट में उसके बाद माई डिक्शनरी में ये वाली जो चीज़ें आएंगी वो इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स में क्या होता है पाइथन स्पोर्ट्स वेरियस ऑपरेटर्स फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज इंक्लूडिंग असाइनमेंट कम्पेरिजन लॉजिकल एंड बिट वॉइस ऑपरेटर्स ठीक हो गया इसके बाद एग्जाम्पल में क्या होता है पाइथन एग्जाम्पल में क्या है रिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड इसके रिजल्ट में टेन प्लस फाइव होता है ठीक है प्रिंट रिजल्ट करवाते हैं उसके बाद जो आउटपुट हमें दु है टेन मतलब टेन प्लस फाइव जो है वो फिफ्टीन हो गया ठीक है बाद कंपेरिजन ऑपरेटर में क्या होता है इस डैश इक्वल लगाते हैं इस पर मतलब इक्वल का मतलब होता है टेन दो दफ़ा इक्वल लगा के और साथ में क्या है फाइव ठीक है इसके बाद इस प्रिंट इज इक्वल में क्या होता है आउटपुट क्या होता है फॉल्स आती है हमारे पास इसका लाजपुर ऑपरेटर में क्या होता है इज ग्रेटर टेन और साथ में फाइव लेस देन होता है ग्रेटर देन होता है और साथ में एंड फाइव जो है वो लेस देन थ्री होता है ठीक है इसका प्रिंट इज क्रिएटेड आउटपुट क्या होता है हमारे पास फॉल्स हो गए ओके इसी तरह से आगे थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है पाइथन स्पोर्ट्स कंट्रोल्स कंट्रोलर स्ट्रक्चर लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट लूप फॉर एंड वाइड एंड ब्रेक कंटिन्यू स्टमेंट फॉर फ्लो कंट्रोल इन प्रोग्राम एग्जाम्पल में क्या आएगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल टू दिस फार ट्व एंड इफ एक्स लेस देन होगा हमारे पास फाइव तो प्रिंट जो होगा एक्स इज ग्रेटर दैन फाइव होगा एल्स में क्या आएगा एक्स एक्स में क्या होगा वहाँ पे ग्रेड लेटर देना था तो यहाँ पे क्या था लेस देन और साथ में इक्वल टू फाइव होगा फॉर लूप में करें, करवाएंगे तो फाइव टीचर्स इन रेंज फाइव में आ जाएगा प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट क्या दी होगी वन टू थ्री फाइव जीरो से लेके फोर तक तो वो हमारे पास फाइव हो जाएगा ये नहीं होगा कि हम लोग वन से लेके फाइव तक करवाएंगे ये नहीं होता जीरो भी जो होता है वो भी ऐड करते हैं हम लोग वाई लूप में क्या होता है काउंट करते हैं जीरो वाइल काउंट वो लेस दैन फाइव प्रिंट काउंट करवा देते हैं और साथ में काउंट को प्लस वन इंक्रीमेंट काउंट होता है ठीक है तो इस तरह से जो है रन हो जाता है इस तरह से इसका जो फोर पॉइंट है वो हमारे पास आता है फंक्शन ब्लॉक्स ऑफ रीयूजल कोड डेट स्पेसिफिक टास्क दे दे हेल्प हेल्प इन इन मोडराइजिंग कोड एंड मेकिंग इट मोर एंड मेंटेनेबल एग्जाम्पल इसके आते हैं हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन इसके बाद डेफ क्रिएट नेम प्रिंट में क्या होता है फंक्शन कॉल करवाते हैं इसमें क्या होता है ग्रीट एलेक और साथ में आउटपुट कराती है हेलो एलिक की ठीक हो गया इसके कहते हैं हमारे पास पाँचवा पॉइंट होता है हो इनपुट और साथ में आउटपुट इसमें क्या होता है कि पाथन प्रोवाइड फंक्शन लाइक इनपुट फॉर एक्सेप्टिंग यूजर इनपुट एंड प्रिंट फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट टू कंसोल एग्जाम्पल इसके कहते हैं हमारे पास इनपुट फ्राम यूजर नेम इज इक्वल टू आता है इनपुट एंटर योर नेम करते हैं प्रिंट में क्या करवाते हैं हेलो नेम करवाते हैं दीज आर दीज आर द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टिंग दीज विल प्रोवाइड अ सॉलिड फाउंडेशन